Good morning, students. I am Dr. Akriti Chan. Today I am going to discuss algebraic structure. First, I would like to explain what is algebraic structure. जैसा कि students, हमने unit 1 में set theory पढ़ी हुई थी तो जब भी हम algebraic structure की study करते हैं तो इसमें एक हमारे पास non-empty set capital G होता है. इसमें हमने नाम assume कर लिया है capital G. Having with one or more binary operations is said to be an algebraic structure. So basically, algebraic structure में हमारे पास एक set होता है जो कि non-empty होता है और इसमें हम binary operations apply करते हैं. जैसे for example, यहाँ पे हमारा set capital G है और इसमें हमने binary operation multiplication apply किया हुआ है. तो ये क्या बन जाएगा, हमारा algebraic structure बन जाएगा. अभी हमने केवल set theory पढ़ी हुई थी. सेट थ्री पे जब आप बाइनरी ऑपरेशंस को अप्लाई करते हो तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, आपका एलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाता है. आप इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो या मोर देन वन ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हो. तो अलग अलग सेट पे हम अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस एप्लीकेबल होते हैं. तो आप हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशंस. बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशंस के लिए हमारे पास एक सेट होता है और उस सेट का हम उस सेट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कराते हैं और उसके ऊपर फिर हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं. तो जो ऑपरेशन आपने सिंगल सेट में अप्लाइड किए हुए हैं यही ऑपरेशंस आपके बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं. बाइनरी ऑपरेशंस को कभी कभी हम बाइनरी कंपोजिशंस भी कहते हैं. तो बाइनरी ऑपरेशन आपके मल्टीपल हो सकते हैं. आपका एडिशन हो सकता है, आपका सब्ट्रैक्शन हो सकता है, आपका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, आपका डिवीजन हो सकता है. लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस सेट में कौन सा ऑपरेशन आपका एप्लीकेबल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेट जी की बात की हुई है. जी के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5. इसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन प्लस अप्लाई किया हुआ है. तो बाइनरी ऑपरेशन प्लस अप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं वो भी उस सेट को बिलोंग कर रहे हैं. फिर हमने दूसरा केस लिया, इसी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन हमने सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया. लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने पर हमें वैल्यू -1 मिल रही है और -1 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है. तो ये डिपेंड करता है कि हमारे सेट के एलिमेंट्स कैसे और इसमें किस तरीके के बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं. तो बेसिकली जो हमारी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की यूनिट 2 होती है इसमें जो भी हम बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली यूज करेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन हमारे या तो एडिशन होंगे या हमारे मल्टीप्लीकेशन होंगे. तो यहाँ पर हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स लिए हुए थे कि किस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन के रूल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि बाइनरी ऑपरेशन को हमने O से रिप्रेजेंट किया है और G का G के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म किया है तो हमें रिजल्ट भी G में ही मिलेगा. तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए चार प्रॉपर्टीज होती है. पहली प्रॉपर्टी होती है कि इट इज कम्यूटेटिव. ये आपका कम्यूटेटिव होना चाहिए. कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि यदि A और B में हम जो भी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो रिजल्ट में यदि हम बी का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो दोनों केसेस में हमें रिजल्ट सेम मिलना चाहिए. जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का और हमने बाइनरी ऑपरेशन प्लस लिया हुआ है. ए की वैल्यू को हमने 2 एज्यूम किया हुआ है और बी की वैल्यू को 4 एज्यूम किया है. ए प्लस बी किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 6 मिला. और ये 6 किसको बिलोंग कर रहा है, उस सेट को बिलोंग कर रहा है जो सेट हमने एन लिया हुआ है. इसी तरीके से यदि ऑपरेशन हमने मल्टीप्लीकेशन लिया और ए इंटू बी किया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू 8 इज इक्वल टू 8. ये भी सेट एन को आपका बिलोंग कर रहा है. तो इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी जो बाइनरी ऑपरेशन में होल्ड की जाती है वो होता है आपका एसोसिएटिव लॉ होता है. एसोसिएटिव लॉ में हम एक्चुअली में एक सेट के 3 एलिमेंट्स लेते हैं. 3 एलिमेंट्स हमने सपोज यहाँ पर ए बी और सी लिए हुए हैं. तो जब एलिमेंट्स आपने ए बी और सी लिए हुए हैं तो बी और सी का हमने के बीच में हमने जो भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है उसको हम यदि ए के साथ कंबाइंड करते हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है कि यदि हम ए और बी के बीच में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें और जो रिजल्ट आता है उसको सी के साथ अप्लाई करें तो दोनों केस में हमें सेम ही रिजल्ट्स मिलता है. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स का जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर भी है, 0 भी और पॉजिटिव नंबर है. ए की वैल्यू को मैंने 1 चूज किया है, बी की वैल्यू को मैंने 3 चूज किया है
और सी की वैल्यू को 4 चूज किया है और हमने बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे प्लस को अप्लाई किया हुआ है। तो जब हमने ए प्लस बी प्लस सी किया और ए प्लस बी प्लस सी किया तो दोनों केसेस में हमने देखा कि सेम रिजल्ट मिला। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप बाइनरी ऑपरेशन यूज करोगे तो वो आपका एसोसिएटिव भी होना चाहिए। इसी वजह से हम केवल प्लस और मल्टीप्लिकेशन को ही लेते हैं क्योंकि प्लस में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर सकते हैं लेकिन हम माइनस ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन का वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में एक्चुअली हमें दो बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो दो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर आप जो यूज कर रहे हो वो कुछ भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि एक ऑपरेशन हमारा ओ है और दूसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन सी। अगर ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहलाता है इसी ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ इसी तरीके से अगर आपको राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ करना है तो b इंटू सी को आप पहले कर दीजिए और a को बाद में कर दीजिए तो ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहलाएगा। फर्स्ट में आप देखते हो कि बाइनरी ऑपरेशन o स्टार पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेकंड में जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन ओ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन किस ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें रिजल्ट्स यहाँ पर सेम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का और बाइनरी ऑपरेशन हमने प्लस लिया हुआ है और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन हमने मल्टीप्लिकेशन लिया हुआ है। तो प्लस को हमने स्टार पर डिस्ट्रीब्यूट किया तो इस केस में हमने देखा कि हमें रिजल्ट सेम नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब हो रहा है कि प्लस ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। लेकिन हमने जो सेकंड केस लिया हुआ है ए स्टार बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टार ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों केसेस में हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो मतलब स्टार ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो ये आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कहलाता है। अब इसके बाद हमारी आती है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ के लिए सपोज एक हमारा सेट जी है और एक बाइनरी ऑपरेशन ओ है तो हम ये कहते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन ओ है ये कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करेगा। किस केस में? जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन सी हो जाएगा। वो उस केस में ही पॉसिबल होगा जब बी की वैल्यू सी के वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी। इसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। इसी तरीके से बी बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू सी बाइनरी ऑपरेशन ए, इसको हम राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं और ये भी कब पॉसिबल होता है? जब बी इज इक्वल टू सी हो जाता है। तो ये कुछ बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन आप में भी आपका कम्यूटेटिव हो सकता है, आपका एसोसिएटिव हो सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है और इसमें आपका कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड हो सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।